हेलो एवरीवन। तो हम लोग करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि यूपीपीसीएस और यूपीएससी दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और बाकी भी जितने भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स आएंगे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जनवरी मंथ का करंट अफेयर है और बाकी जितने भी करंट अफेयर हैं सभी मंथ्स के मैं इसमें ऐड करता जाऊँगा। तो चलिए देखते हैं जनवरी मंथ का करंट अफेयर। P15B परियोजना, इस परियोजना के अंतर्गत चार युद्धपोत बनाए जाने हैं जिनका नाम है विशाखापत्तनम, मर्मुगवा, इम्फाल और पोरबंदर। पोरबंदर का ही दूसरा नाम सूरत है। तो इस जो चार युद्धपोत बनाए जाने हैं इसमें जो अभी जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है वो मर्मुगवा रहा है। मर्मुगवा का को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। इस युद्धपोत को इसको बनाया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने और ये विध्वंसक युद्धपोत है और इस युद्धपोत पर सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर और एंटी सबमरीन मिसाइल, ये तीनों तरह की मिसाइलें इस पर तैनात की जा सकती हैं। जो सबसे ध्यान रखने वाली बात है वो ये कि इस परियोजना का नाम कभी भी पूछ सकता है कि P15B परियोजना क्या है या फिर इस पूरी परियोजना के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें क्या क्या इंक्लूड है या फिर इनका नाम भी पूछ सकता है कि इनका नाम क्या क्या है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। और ये तीन तरह की मिसाइलें भी इस पर सभी तैनात की जा सकती हैं। कभी कभी नाम भी पूछ सकता है कि इसको किसने बनाया है, तो ऑप्शन में नाम भी दे सकता है। ठीक है, ये विध्वंसक युद्धपोत हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारतीय गणतंत्र दिवस पर जो मुख्य अतिथि थे वो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी थे। ठीक है, तो इसमें भी कई तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन था मुख्य अतिथि, कौन था या फिर उनका नाम क्या था या फिर वो किस देश के थे। तो ध्यान रखिएगा ये मिस्र के थे, इजिप्ट, और नाम था अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, इससे पहले जो था वो 2022 और 21 में कोई भी नहीं था क्योंकि उसमें कोविड का टाइम चल रहा था तो मनाया नहीं गया उस ढंग से। और 2020 में जो सबसे उससे पहले जो कोई आया था 2020 में थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति सायर बोलसोनारो, ये मुख्य अतिथि थे। ठीक है, तो ये इसमें ये फैक्ट था। नेक्स्ट देखिएगा G20 काफ़ी चर्चा में है इस समय, इसलिए क्योंकि इस समय जो G20 की अध्यक्षता फिलहाल 18th जो है वो उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है दिसंबर से, 1 दिसंबर 2022 से जो कि सितंबर 2023 तक चलेगा। ये भारत के कई शहरों में अलग अलग शहरों में होगी इसकी मीटिंग होगी। तो इससे पहले जो था वो 17वां वो बाली में हुआ था जो कि इंडोनेशिया में है। ये बाली एक आइलैंड है, इंडोनेशिया में कई सारे आइलैंड हैं, बाली, लोम्बोक, जावा, सुमात्रा, तो उसमें से एक बाली है। ठीक है, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा 17th जो है वो बाली में हुआ है और 18th भारत में हो रहा है। तो जो इसका थीम है वो है रिकवर टुगेदर और रिकवर स्ट्रॉन्गर, अभी जो ये G20 की समिट का थीम है। ठीक है, G20 के बारे में थोड़ा सा अलग से जान लीजिए कि इसका जो G20 जो देश हैं जितने भी कंट्रीज हैं ये वर्ल्ड का जितना भी पॉपुलेशन है उसका 2/3 पॉपुलेशन G20 कंट्रीज होल्ड करते हैं। ठीक है, और 85% वर्ल्ड की जो GNP है उसका 85% G20 कंट्रीज होल्ड करते हैं और 75% ट्रेड भी इन्हीं देशों के द्वारा किया जाता है वर्ल्ड के। और ये जो है इनका G20 का कोई ऑफिस नहीं है। ठीक है, और अभी जो 17th जो हुआ है बाली में उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा छाया था वो था यूक्रेन क्राइसिस, मतलब जो अभी रसिया ने यूक्रेन पर वार किया, चल रहा है रसिया यूक्रेन वार, तो वही इस समय चर्चा के विषय बना हुआ है। तो उन्हीं मुद्दों को लेकर के इस G20 समिट में काफ़ी चर्चा किया गया है इस पर। तो ये G20 से संबंधित इतने सारे फैक्ट थे। 18th इंडिया में हो रहा है, 17th बाली में हुआ, थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, और बाकी ये ध्यान रखिएगा 2/3 पॉपुलेशन, 85% GNP। हालांकि ये पूछता नहीं है पर पूछ भी सकता है कभी। ठीक है, इसका कोई ऑफिस नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नासा का जो आर्टेमिस मून मिशन है उसका पहले स्टेज का सफल प्रक्षेपण हो गया है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि 5 दशक के बाद नासा ने कोई मिशन स्टार्ट किया है, 5 दशक के बाद। ये जो है आर्टेमिस मून मिशन ये चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने के लिए है, पहला स्टेज ये है। ठीक है, और
इस जो जो इसे इस मिशन को जो भेजा गया उसके लिए जो रॉकेट यूज़ किया गया है वो रॉकेट है स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS, इसका नाम याद रखिएगा। और जो स्पेस शिप है उसका नाम है ओरियन, ठीक है। तो ओरियन स्पेस शिप से और ये स्पेस लॉन्च सिस्टम से इसको भेजा गया है आर्टेमिस मून मिशन को। इसका फर्स्ट स्टेज ही अभी कंप्लीट हुआ है, बाकी सेकेंड और थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज में मनुष्य को भेजा जाएगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है नेक्स्ट है आपका UNFCCC COP 27, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी जो इसका जो सम्मेलन हुआ है वो 27th जो हुआ है वो हुआ है शर्मल शेख। शर्मल शेख कहाँ है? मिस्र में, इजिप्ट, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि 27th कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ है, तो वो इजिप्ट में हुआ है, शर्मल शेख में। मेन मुद्दा क्या था इस मीटिंग का? लॉस एंड डैमेज फंड बनाने की बात की गई है, ठीक है, जो कि पहले से ही पहले बात हो चुकी है। कोपेनहेगन का जो 15 कॉन्फ्रेंस था उसमें 100 अरब डॉलर की बात की गई थी कि हम 100 अरब डॉलर का फंड बनाएंगे कोपेनहेगन में, ठीक है। तो इसमें लॉस एंड डैमेज फंड बनाने का जो मुद्दा था वही वही छाया रहा। फाइनली क्या था कि इसमें कोई सहमति बन नहीं पाई, ठीक है, क्योंकि बाकी बहुत सारे मुद्दे इस समय चल रहे हैं जो कि खासकर रसिया यूक्रेन वार को लेकर के। तो अभी फ़िलहाल इस पर भी कोई सहमति बनी नहीं है इस कॉन्फ्रेंस में। भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो भूपेंद्र यादव ने किया, जो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं। ये भी पूछ सकता है कि इस कॉन्फ्रेंस में भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया है, या मेन मुद्दा क्या था, कहाँ पर हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन इससे बनते हैं, ठीक है। तो इससे पहले वाला जो कॉन्फ्रेंस था वो हुआ था ग्लासगो में 26, ठीक है, और इसके आगे जो होगा 28th वो दुबई में होगा। तो ये इतने सारे फैक्ट हैं, उनको आप याद रखिएगा। दुबई, इससे पहले वाला ग्लासगो, अभी जो हुआ है इजिप्ट, ठीक है, और हमारा जो हमारे भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा चीन का जो जीरो कोविड पॉलिसी है, इसका जो विरोध, चीन में जो जीरो कोविड पॉलिसी अभी चल रही है उसका विरोध किया जा रहा है। और उसके विरोध में जो है कोरे कागज़ के साथ प्रदर्शन किया जाता है, मतलब कि सफ़ेद कागज़ लेकर के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर कुछ लिखा नहीं हुआ है। ये मुद्दा इनका ये है कि यहाँ पे जो सिंजियांग प्रांत है उसकी राजधानी जो है उरुमकी, वहाँ पे उइगुर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरे कागज़ पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका मानना है कि वे कुछ कह नहीं रहे लेकिन जानते सब कुछ हैं। दरअसल वहाँ क्या था कि एक आग लग गई थी एक बिल्डिंग में और काफ़ी लोग वहाँ पे झुलस गए थे, कुछ लोग मर भी गए थे। दरअसल वहाँ एम्बुलेंस आ नहीं पाई थी। उन लोगों का एम्बुलेंस नहीं आने का कारण यह था कि चीन की जीरो कोविड पॉलिसी, वो लोग उसको ले जाना नहीं चाहते थे। तो इसके लिए काफ़ी क्षति उठानी पड़ी, काफ़ी लोग मर चुके थे, मर गए। तो इसके लिए ही वहाँ पे जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर के उनका विरोध चल रहा है। तो सफ़ेद कागज़ लेकर के बस ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम कुछ कह नहीं रहे हैं लेकिन हम सब कुछ जानते सब कुछ हैं, ठीक है। प्रदर्शनकारियों के अनुसार कोरा कागज़ इस बात का भी प्रतीक है कि वह बहुत कुछ कहना चाहते हैं किंतु कह नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर सरकार काफ़ी सख्त है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पाकिस्तान के प्रतिबंधित संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP पूछ सकता है कि ये कहाँ का संगठन है, जैसे कभी कभार म्यांमार वाला पूछ देता है या बांग्लादेश का पूछ देता है, तो पूछ सकता है कि TTP कहाँ का संगठन है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान का है। सरकार के साथ जून 2022 में किए गए संघर्ष विराम समझौते को इसने निरस्त कर दिया है। इन लोगों का तो चलता रहता है कि पाक जो है सरकार से समझौता कुछ करेंगे फिर उसको तोड़ देंगे, इनकी मांगें पूरी नहीं होगी। तो ऐसा उसने इसलिए किया है कि मुजाहिदीन के खिलाफ विभिन्न इलाकों में सैन्य अभियान चलाए जा रहे हैं। तो इनके जो हैं पाकिस्तान सरकार सैन्य अभियान चला रही है तो इन्होंने अपना तोड़ दिया है। तो बस एक ही दो फैक्ट है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का है, मुद्दा कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्या था क्या नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ है? गोवा में हुआ है, ठीक है। महोत्सव की उद्घाटन फिल्म पूछ सकता है कि उद्घाटन फिल्म क्या थी? फिल्म तो ये था अल्मा एंड आस्कर, ठीक है, अल्मा एंड आस्कर इसका उद्घाटन था, उद्घाटन फिल्म पूछ सकता है। समापन क्या था? परफेक्ट नंबर, ये मूवी का नाम है परफेक्ट नंबर। और फोकस कंट्री क्या था? फ्रांस। इस तरह के कई सारे फैक्ट पूछते रहते हैं एग्ज़ाम में कि फोकस कंट्री क्या था, जो फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ है उसका फोकस कंट्री क्या था,
उद्घाटन फिल्म कौन सी थी। ये ज़्यादा पूछता है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला, तो ये था स्पेनिश फिल्म थी आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम। ठीक है, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम। और सबसे सबसे निर्देशक का रजत मयूर, कुछ भी ये ऐसे पूछता है स्वर्ण मयूर किसको मिला या रजत मयूर किसको मिला, तो रजत मयूर नो एंड को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का रजत मयूर ये है वाहिद मोबासेरी, कौन सी फिल्म के लिए, नो एंड फिल्म के लिए। ठीक है, श्रेष्ठ अभिनेत्री कौन का किसको मिला है, डेनियेला मार नवारो आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम के लिए, यही वाली फिल्म। ठीक है, जो कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी है। जूरी का विशेष पुरस्कार किसको मिला है, फिलीपींस के फिल्मकार लाव डियाज, ये नाम याद रखिएगा लाव डियाज। ठीक है, फिल्म वेन द वेब्स आर गॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लाव डियाज का नाम याद रखिएगा। ये कई बार क्वेश्चन ये जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, दो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि जो है फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसको मिला है, तो ये चिरंजीवी को मिला है, जो साउथ इंडियन एक्टर हैं चिरंजीवी, उनको मिला है फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। ठीक है, ICFT और ICFT यूनेस्को गांधी मेडल पुरस्कार, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि ये किसको मिला है गांधी मेडल, चूँकि नाम जो जुड़ा हुआ है वो गांधी जी का जुड़ा हुआ है, तो ये नारगेसी को मिला है। ठीक, नारगेसी एक ईरानी फिल्म है, उसको मिला है ICFT और ICFT यूनेस्को। किसी निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है, असीमीना पोएड्रो को। ठीक है, असीमीना पोएड्रो को फिल्म बिहाइंड द हाईटेक्स इसको मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, फिल्म का नाम क्या है, बिहाइंड द हाईटेक्स। नेक्स्ट है जूरी का विशेष उल्लेख पुरस्कार, लेखनी पुरस्कार ऐसे करके होगा, भारतीय निर्देशक व सिनेमाटोग्राफर प्रवीण कंदरेगुला इनको मिला है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिनेमा बंदी के लिए मिला है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है गोवा, अल्मा एंड आस्कर, इलेक्ट्रिक ड्रीम, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम और नो एंड। ठीक है, ये और ये चिरंजीवी, इससे क्वेश्चन बन सकता है, और ये तो मैंने फैक्ट लिख दिया है, अगर आप याद कर सकते हैं तो याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अभ्यास सी विजिल, सी मतलब होता है समुद्र। ठीक है, सी विजिल ये क्या है, तटीय क्षेत्रों और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा की जीवन सॉरी तटीय क्षेत्र और सेज की सुरक्षा व्यवस्था के आकलन हेतु अभ्यास सी विजिल, सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशिष्ट आर्थिक जोन होना चाहिए, यहाँ जीवन लिख दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो जो SEZ है सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उनके सुरक्षा व्यवस्था के लिए अभ्यास सी विजिल स्टार्ट मतलब हुआ है। यह अपने किस्म का तीसरा द्विवार्षिक अभ्यास था। सी विजिल अभ्यास का आयोजन एक बड़े उद्देश्य को पूरा करता है, इसके समुद्री ताकत एवं कमजोरियों, इससे समुद्री ताकत एवं कमजोरियों का आकलन होता है। ठीक है, तो इसलिए सी विजिल किया जाता है कि मतलब ये देख सकें कि क्या भारत की जो क्षमता है क्या है, जो सुरक्षा करने की तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए, तो ये इसलिए ये सब अभ्यास किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आसियान, आसियान का शिखर सम्मेलन हुआ है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट संगठन है, अक्सर इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आसियान इसमें 10 देश हैं। ठीक, 10 देश वही साउथ ईस्ट इंडिया के जितने भी हैं सारे देश हैं। ये कहाँ हुआ है आसियान का शिखर सम्मेलन, 19वां शिखर सम्मेलन हुआ है कंबोडिया, भारत की राजधानी नॉम पेन में, सॉरी कंबोडिया की राजधानी नॉम पेन में हुआ है, और आसियान भारत का जो सम्मेलन हुआ है वो नॉम पेन में हुआ है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, डॉक्टर एस जयशंकर जो कि के साथ श्री जगदीप धनखड़ हैं जो कि हमारे अभी उपराष्ट्रपति हैं, और एस जयशंकर जो हैं वो हमारे विदेश मंत्री हैं। ठीक है, तो इसका जो आदर्श वाक्य क्या था, वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी, वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। ठीक है, आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के 10 राष्ट्रों का एक संगठन है, जैसे बताया अभी। विपक्षी गठबंधन नेता अनवर इब्राहिम मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं तो ये जो कुछ नया है वो ये है कि मलेशिया के जो नए प्रधानमंत्री हैं बने हैं वो है अनवर इब्राहिम, इनका पूरा नाम है। ठीक है, पूछ सकता है क्वेश्चन में मतलब चार ऑप्शन में कि अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, या फिर मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन कौन बनाए गए हैं, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
और ये फैक्ट है, कंबोडिया की राजधानी नॉमपेन में भारत आसियान का 19वां शिखर सम्मेलन हुआ है। ठीक, ये भी पूछ सकता है किसने प्रतिनिधित्व किया था, तो एस जयशंकर और जगदीप धनखड़ ने किया था, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डोनी पोलो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ठीक, ये कई अभी जो हाल ही में कई एग्ज़ाम हुए हैं उसमें दो तीन में ये क्वेश्चन पूछ दिया है कि ये कहाँ है। तो ये बनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा नवंबर 2022 में किया गया। होलोंगी स्थित, होलोंगी में है ये, इस ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम पहले क्या था, होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। नाम ये पूछ सकता है कि पहले इसका क्या नाम था या किस एयरपोर्ट का नाम बदल करके ये कर दिया गया है ऐसा करके। तो इसका पहला नाम, पहले जो नाम था वो होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट था। देखिए, डोनी पोलो, डोनी का मतलब होता है सूर्य और पोलो का मतलब होता है चंद्रमा। ठीक है, तो ये जो है कि सूर्य और चंद्रमा के प्रति राज्य के लोगों की श्रद्धा वहाँ पे है, तो उसी के नाम पर ये रखा गया है नाम इनका। तो नाम सुन करके आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, पर ये उसी हिसाब से नाम रखा गया है, डोनी पोलो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। गंगा विलास रिवर क्रूज यात्रा, ये काफ़ी चर्चा में है अभी और ये चल रहा है काफ़ी चर्चा में। एम बी गंगा विलास, एम बी का यहाँ पे मतलब है मोटर वेसल। तो ये चलेगा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। ठीक है, वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के बोगीविल, ठीक है, डिब्रूगढ़ असम में है, जो कि बोगीविल तक मतलब ये बनेगा, चलेगा वाराणसी से डिब्रूगढ़, जो कि असम में है, बोगीविल तक। ये इन रास्तों से होकर गुजरेगा, बक्सर, गाजीपुर, रामनगर, पटना, कोलकाता। ठीक है, ये बांग्लादेश की सीमा के अंदर ढाका, काजीरंगा नेशनल पार्क, सुंदरवन डेल्टा से होते हुए डिब्रूगढ़ तक जाएगा। ये क्या है, पीपीपी मॉडल पर आधारित है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित है। तो ये गंगा विलास रिवर क्रूज यात्रा, बस ये पूछ सकता है कि ये कहाँ से कहाँ तक है, तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका यूएन की जो वर्ल्ड प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट आई है, यूएन की वर्ल्ड प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट, इसके अनुसार विश्व की जनसंख्या 15 नवंबर 2022 को 8 अरब का आंकड़ा पूरा कर लिया। तो ये 8 अरब, ध्यान रखिएगा, 8 अरब 2022 में 8 अरब का आंकड़ा जो है वो विश्व की जनसंख्या ने पार कर लिया है। तो इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देख लीजिए, कैसे रहा है वर्ल्ड, जो विश्व की जनसंख्या कैसे, कब क्या कितनी थी। 1950 में 2.48 था, 60 में 3, 74 में 4, 87 में 5, 99 में 6 और 11 में 7। 2011, अभी हम जो जनगणना पढ़ रहे हैं ज़्यादातर एग्ज़ाम में जो पूछ रही है, पूछ रहा है, वो है 2011 की जनगणना, अभी 21 वाली हो रही है और ये आ जाएगा एक दो साल में इसका फाइनल डेटा। तो 2011 में ये 7 अरब हो चुका था, 2022 में 8 अरब का आंकड़ा पार कर लिया गया। और ये ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 2005 तक 9.7, ठीक है, और 2080 तक हम 10 अरब का आंकड़ा पार कर लेंगे। ठीक है, और इसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो है विश्व की जनसंख्या एक स्टेबल फॉर्म में आ जाएगी, जो कि अभी ऐसे चल रही है, ऐसा चल रहा है अभी, तो ये कुछ देर के बाद कुछ इस तरह के स्टेज में आ सकता है। ठीक, तो ये है, ये वर्ल्ड प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट है। ये भी पूछ सकता है कि ये वर्ल्ड प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट निकालता कौन है, तो यूएन निकालता है। बहुत सारे मैगजीन हैं जो जिनके जिसको जैसे वर्ल्ड बैंक निकालता है, IMF निकालता है, यूएन निकालता है। तो यूपीएससी में क्वेश्चन कई बार आया भी हुआ है कि आउटलुक कौन निकालता है, प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट कौन निकालता है, तो ये यूएन का है। ठीक है, इसी के आधार पर ये 8 अरब के आंकड़े की बात की जा रही है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जो कि अभी कुछ चर्चा में रहा है, जैसे कि EWS का जो 10% रिजर्वेशन वाला मुद्दा था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहरा दिया है, उसके लिए कई लोगों ने डाला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि उसको खारिज करने के लिए। तो पहले से अगर ध्यान रखने वाली बात है, जिनको नहीं याद है तो पता होना चाहिए, SC के लिए 50%, ST के लिए 7.5% और OBC के लिए 27% आरक्षण ऑलरेडी है। तो ये जो 10% EWS के लिए आरक्षण है, उसको 103वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया था और बाद में ये पारित भी हुआ।
लागू भी हुआ है ये 103वां संविधान संशोधन, उसके बाद लोगों ने याचिका डाली है और फिर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने मतलब इस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने वैध ठहराया है। ठीक है, अगर ये जानना है तो देख लीजिए कि जो न्याय ये दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति जे बी पादरी वाला, इन लोगों ने जो है वो ये ऐसा बोला कि संविधान 103वां संविधान संशोधन अधिनियम को वैध करार देते हुए कहा कि यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता, मतलब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका उल्लंघन नहीं करता, जो कि 1973 में केशवानंद भारती में बोला गया था कि आप मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन को का वो कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, पर मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो इस आधार पर वो इन्होंने बताया कि ये मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। वहीं दो अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट्ट और न्यायमूर्ति यू ललित, इन लोगों ने बोला है कि मतलब इन लोगों ने असहमति जताई है इसके इस 10% आरक्षण के खिलाफ। तो 5 जजों की बेंच थी जिसमें 3 लोगों ने इसको सही वैध ठहराया और दो लोगों ने नहीं, तो ये मेजोरिटी से जो है वो उसको पास कर दिया गया, मतलब वो वैध ठहरा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका EO6 ओशन सेट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक, ये पूरा नाम ध्यान रखिएगा, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 6 इसका नाम है, इसको ओशन सेट 3 भी कहा जा रहा है। और ये जो छोड़ा गया है इसके साथ 8 नैनो सैटेलाइट है, ये नंबर पूछ सकता है कभी भी कि इसके साथ में कितने सैटेलाइट हैं, तो 8 नैनो सैटेलाइट है। ठीक है, ये भेजा गया है, जो रॉकेट है वो PSLV C-54 से भेजा गया है और श्रीहरिकोटा से भेजा गया है, ठीक, उड़ीसा में है। ठीक है, और 742 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, ये भी पूछ सकता है कि किस ऑर्बिट में है, तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, इसको हिंदी में बोलेंगे सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्र के संबंध में जानकारियां उपलब्ध कराएगा ये ओशन सेट। ठीक, जीवन काल कितना है, 5 साल है, इसके साथ में 8 नैनो सैटेलाइट है और ये 513 से 528 किलोमीटर OCT का प्रयोग किया गया, मतलब कि OCT मतलब कि जो है ऑर्बिट चेंज थ्रस्टर का इस्तेमाल किया गया, मतलब इस इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद 513 से 528 किलोमीटर के बीच में ऑर्बिट चेंज करना होता है इनको, तभी तो ये 742 किलोमीटर जाएगा। तो इसके लिए OCT थ्रस्टर, मतलब वो थ्रस्ट करेगा, थ्रस्टर का उपयोग करने के बाद ही वो नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएगा, तो ये यूज़ किया गया है मतलब OCT का, इसके बाद ये यहाँ पे गया 742 किलोमीटर में स्थापित हुआ है। तो ये पूछ सकता है कि कितने किलोमीटर पर ऑर्बिट चेंज थ्रस्टर का इस्तेमाल किया जाता है या जा सकता है, तो ये इसीलिए मैंने इस फैक्ट को यहाँ पे डाला है कि 513 से 528 किलोमीटर के बीच में OCT का यूज़ किया गया है। ठीक है, इसके साथ में जो 8 अन्य सेटेलाइट हैं, नाम याद रखिएगा, भूटान सेट है एक तो, ठीक, भूटान सेट और पिक्सल का आनंद प्राइवेट, ये है प्राइवेट सैटेलाइट है। ध्रुव अंतरिक्ष, ये भी प्राइवेट है, इसका इसमें 2 है, थायोबोल्ट और स्पेस लाइट, ये नाम भी याद रखिएगा। तो भूटान सेट, आनंद, थायोबोल्ट, स्पेस लाइट और 4 एस्ट्रो सेट हैं, टोटल कितने हो गए देखिए, 1, 2, 3, 4 और 4, ये 8, जो कि 4 हैं वो हैं USA के। ठीक है, 4 पूछ सकता है कि USA के कितने मतलब नैनो सैटेलाइट थे, तो 4 थे। ठीक है, बाकी ये सब ये हैं प्राइवेट है, ये पिक्सल वाला और ध्रुव अंतरिक्ष का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका ये है C-95 विमानों का देश में निर्माण हो रहा है बड़ोदरा में, तो ऐसा पूछ सकता है कि कहाँ पे हो रहा है, तो बड़ोदरा में हो रहा है, टाटा और एयरबेस की ये संयुक्त परियोजना है। ठीक, पहली बार ये निजी क्षेत्र में सैन्य विमानों का निर्माण किया जाएगा, मतलब प्राइवेट सेक्टर में सैन्य विमानों का निर्माण होगा, पहली बार ऐसा हो रहा है, C-95 विमान नाम इनका। एयरबस स्पेन एरोनॉटिक्स कंपनी है, टाटा तो अपने इंडिया की है, एयरबस जो है वो स्पेन का है। ठीक है, एरो 748 विमानों को 56 एयरबस स्थापित करेंगे, तो मतलब ये जो एयरबस हैं ये एरो 748 विमान जो पहले से जो इंडिया में है उनको 56 एयरबस जो बनाए जाएंगे वो इनको स्थापित करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, 56 एयरबस में क्या है, 16 स्पेन से आएंगे और 40 बड़ोदरा में बनाए जाएंगे, तो ये C-95 विमान जो है ये स्थापित करेंगे
EVRO 748 को। ये भी पूछ सकता है कि ये किसको प्रतिस्थापित करेंगे, तो EVRO 748 को प्रतिस्थापित करेंगे। पहली बार निजी क्षेत्र में बनाया जा रहा है, टाटा और एयरबस की संयुक्त परियोजना। एयरबस कहाँ का है, स्पेन का। ठीक है, अगला फैक्ट देखते हैं। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर कहाँ पे आयोजित किया गया है, तो ये प्रगति मैदान में किया गया है, नई दिल्ली। ये हमेशा होता है यहीं पर, प्रगति मैदान में ही होता है, एक ही जगह लगभग, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रगति मैदान में हुआ है। ठीक है, थीम क्या था, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। वोकल फॉर लोकल मतलब कि लोकल बोली कुछ ऐसा, वो उनके लिए लोकल के लिए ही ज़्यादा आप प्रयास कीजिए ऐसा है, और लोकल से ग्लोबल, तो मतलब ये याद रखने के लिए मैंने आपको बता दिया। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल क्या है, थीम ये था। साझेदार राज्य कौन से थे, बिहार और झारखंड, बिहार झारखंड महाराष्ट्र। ठीक है, पार्टनर स्टेट बिहार झारखंड और महाराष्ट्र, फोकस केरल और यूपी। यूपी के एग्ज़ाम में ये एग्ज़ाम पूछ सकता है कि इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में फोकस स्टेट कौन सा था, केरल और यूपी। ठीक है, और पार्टनर बिहार झारखंड और महाराष्ट्र, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है फिर, तो अभी कुछ पार्ट अभी हुआ है, अभी नेक्स्ट वीडियो में बाकी जनवरी के करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।